सो फ्रेंड्स नहीं पता चल रहा ना फ्रेंड्स, बट ये देखो सो फ्रेंड्स सबसे पहले केक आपके लिए और आप लोग मैं यहाँ से आमरस ले रही हूँ और मेरे लिए प्लान करें सबसे पहले से खर्चा तीन एक वापसी का एक लेने आते हैं तो प्लान क्या करें, कोई प्लान नहीं है। मैंने मना कहा था कि मुझे मतलब नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं नीरू नेगी एक बार फिर अपने चैनल पहाड़ी कल में आपका स्वागत करती है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और क्या कहते हैं, आप लोगों ने मेरी स्टोर्स तो देख ली होगी तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज मेरा बर्थडे है। और पहले तो मैं सोची थी किसी ने मुझे विश नहीं करा घर पर, मैं सोची थी सबके सब भूल गए मेरा बर्थडे है, बट रात को सबके मैसेज आए थे, मैंने सुबह सबको रिप्लाई किया और सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन सबने मुझे मैसेज करा। और सुबह मुझे बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ भी मिला, आप लोगों ने देखा होगा। जस्ट मिनट, कोई आया है। सो फ्रेंड्स, सोहन जी आना को छोड़ने गए थे तो वो ये भी आए हैं। और आप लोगों ने मेरा गिफ्ट देखा, मैं एक बार और दिखाती हूँ अपना गिफ्ट आप लोगों को। तो डरना मत, सोहन जी के पैर है प्लीज़। तो ये मुझे दो कुर्तियाँ और एक क्लासेट, ये मुझे दो कुर्तियों के सेट दिए हैं बच्चों ने और सोहन जी ने मिलके, तो जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। सो फ्रेंड्स, बच्चे लेके आए और मुझे ये नहीं पता कि इन लोगों को मेरा साइज़ सोहन जी को पता था, तो इसलिए मेरे साइज़ के लिए आए। सोहन जी थोड़े दुखी हो गए। हाँ, चाय है, सोहन जी चाय मांग रहे। सो फ्रेंड्स, सोहन जी को पता था मेरे साइज़, इसलिए ये तीनों के तीनों गए थे। मैं सोची, मुझे नहीं पता था तीनों क्या लेने गए, इन्होंने कहा कि हम बुक्स वगैरह लेने जा रहे हैं, बट ये तीनों मेरे जो कुर्ती लेके आए ना, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही। सो फ्रेंड, जैसा मुझे कुर्ता चाहिए था ये वैसा ही कुर्ता है और ये कुर्ते मुझे बहुत ही अच्छे लगे। थैंक यू सो मच बच्चों एंड सोहन जी, थैंक यू सो मच। और हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है मंडे को मेरा फास्ट होता है, तो आज मंडे भी और मेरा बर्थडे और मेरा फास्ट भी है, यानी और क्या कहते हैं मेरा बर्थडे भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब फटाफट नहा के मैं इनमें से एक कुर्ता पहनूंगी, बट मैंने चूज़ कर लिया कि मुझे कौन सा कुर्ता पहनना है। तो आप भी जल्दी कमेंट्स में बताइए कि मैं कौन सा कुर्ता पहनने वाली हूँ, प्लीज़ जल्दी से। मैं तो सोहन जी को चाय देती हूँ मांग रहे, उसके बाद मैं नहाऊँगी और पूजा करूँगी, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और आगे आपको दिखाऊँगी कि लोगों ने और मेरे लिए क्या सरप्राइज़ प्लान करा है, मुझे कुछ नहीं पता, तो देखने के लिए बने रहे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कई लोग कह रहे हैं कि पहले आप देहरादून रहते थे, आप दिल्ली आ गए, समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो एक्चुअली जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं देहरादून शिफ्ट हो गई थी लास्ट ईयर पे, बट इस साल हमने दोबारा बैक मार लिया दिल्ली, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जो शेयर नहीं कर सकते। और मेन रीज़न कि बच्चों का दिल वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोहन जी यहाँ पे रहते थे और बच्चे देहरादून और मैं देहरादून, हम तीनों देहरादून रहते थे, बट बच्चों का दिल बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि बच्चों को हमेशा पापा मम्मी दोनों ही चाहिए, तो बच्चे बहुत मिस करते थे। तो हमने सोचा छोड़ो यार, सब कुछ है अपना दिल्ली में, आप लोगों को पता मैं दिल्ली आती जाती रहती हूँ, यहीं पर अपना घर वगैरह सब कुछ है, तो हम लोग वापस दिल्ली आ गए। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आप दिल्ली देहरादून समझ नहीं आता, तो हाँ हम देहरादून भी रहते थे पहले, एक साल पहले हम गए थे, बट अब हम इस साल वापस आ गए प्रॉपर दिल्ली ही। तो बट ऐसा कुछ हम है ना, देहरादून भी जाते रहेंगे, अभी तो हमारा सामान वहीं पर पड़ा हुआ है, अभी अपना सामान भी लेके आना हम लोगों को, अभी हम अपना सामान नहीं लेके आए कुछ भी, तो वहाँ जाएंगे अपना सामान लेके आएंगे। बट ये है कि दोबारा हम दिल्ली आ चुके हैं, अब बच्चों का हमने एडमिशन भी करवा दिया है दोनों का, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली हो। सो फ्रेंड्स, बन गई है चाय और सोहन जी को देती हूँ, फिर आपसे नहा धो के मिलती हूँ थोड़ी देर में, ओके। और आप लोग बताना कि मुझे मैं कौन सा सूट पहनने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी और आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने कौन सा कुर्ता पहना है और किस किस को बताता कि मैं यही पहनने वाली, प्लीज़ बताना ज़रूर। और अब मैं होगी तैयार, अब मैं करने जा रही पूजा, क्योंकि मेरा फास्ट भी है और मैंने माता रानी के लिए नए कपड़े भी लिए हैं आज, उनको पहनाऊँगी मैं।
और फिर मंदिर जाऊंगी क्योंकि सोमवार का व्रत है तो शिवलिंग में जल चढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ, दिखाती हूँ माता रानी के कपड़े। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को अपने माता रानी के कपड़े भी दिखाती हूँ, वस्त्र दिखाती हूँ। ये रही मेरी प्यारी सी माता रानी जो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये मेरी प्यारी माता रानी और माता रानी के वस्त्र देखिए कितने प्यारे मैं लेके आई हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स बताना कमेंट्स में कैसे लगे मेरी माता रानी के वस्त्र, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगे, कलर भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। फ्रेंड इस कलर का कुर्ता मैं कब से ढूंढ रही हूँ, कब से मुझे बट अभी तक नहीं मिला, बट जैसे ही मुझे माता रानी की ड्रेस मिली ना इसमें मैंने तुरंत ले ली है, पता है मुझे मेरा फेवरेट कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर। तो चलिए माता रानी को तैयार करते हैं और बात भी भोले बाबा पे भी जल चढ़ाएंगे, भोले बाबा जी की भी पूजा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स मैंने मंदिर साफ कर दिया है और यहाँ पे सब भगवान जी को बैठा दिया है, मैं सबको साफ करूँगी, नहलाऊँगी धुलाऊँगी। और फ्रेंड्स यहीं पे मेरे कूड़े वाले भैया आ चुके हैं, मुझे उनको कूड़ा देना है, तो मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ सारा काम करने के बाद। सो फ्रेंड्स आप लोग रेडी हैं मेरी माता रानी को देखने के लिए? तो 1 2 3 टेन 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 टेन। देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही है मेरी माता रानी के ऊपर ये ड्रेस। सो फ्रेंड्स फिर मैं आपसे थोड़ी देर मिलती हूँ, मैं पूजा वूजा करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, जब तक के लिए बने रहें। सो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा मंदिर, छोटे से कान्हा जी बैठे हैं और मेरी माता रानी, ये मेरे भोले बाबा जी का शिवलिंग, सब भगवान बैठे हैं। मंदिर छोटा है बट ठीक है, अच्छा है। सो फ्रेंड्स घर पे तो पूजा हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ मंदिर में भोले बाबा जी को जल चढ़ाने, वहाँ पे आज फास्ट है तो मैं हर सोमवार को मंदिर जाती हूँ, रोज़ तो नहीं जा पाती, सोमवार जरूर जाती हूँ। तो फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, चलती हूँ फिर मैं मंदिर, बने रहे आप भी मेरे साथ। तो फ्रेंड्स यहीं पे अनु मुझे विश करने आ चुकी है, तो मैं चूड़ा, थैंक यू सो मच। और यहीं पे मुझसे पूछ रही है बता दो कितनी उम्र होगी, बता दो। तो ये हम फ्रेंड्स पे छोड़ देते हैं, आप लोग बताना कि मैं कितने साल की लगती हूँ। फ्रेंड्स पे आपकी उम्र अच्छे से बताएंगे, तुझे बता, तू बताना मैं कितने साल की लगती हूँ। 37 38 लगती हूँ मैं, अब वो तो आपको ही बताओ। फ्रेंड्स आप बताना कि मैं कितने साल की होगी, बट मैं अपनी एज नहीं बता सकती। कोई बात नहीं होता है होता है। थैंक यू सो मच अन्नू। तो हम फ्रेंड्स थोड़ी बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। सो फ्रेंड्स कल मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई ना, और ये अन्नू भी बहुत गंदी है, यानी कल भैया भाभी की यानी अन्नू की मम्मी की भाभी की कल एनिवर्सरी थी, मैं भी भूल गई, इसने भी नहीं मुझे बताया कितनी गंदी है। और अब मैं भाभी को विश करने जाती हूँ, हाँ जरूर जाऊंगी यार विश करने मैं भाभी को। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में भाभी के घर पे। सो फ्रेंड्स चलते हैं आरती भाभी को विश करने के लिए, क्योंकि उनकी कल एनिवर्सरी थी, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं यार भूल गई थी मैं। सो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि भाभी सो गई, भाभी नहा रही है, क्योंकि उन्होंने बता रही थी कि मम्मी खाने जा रही है। तो इतने किशोर भैया घर पर चलते हैं, किशोर भैया बीमार है तो उनको देखते हैं कैसे हैं। चलिए फिर यहीं पे भैया बीमार है, मैं भैया को देखने आई स्पेशली, भैया के कल ज़्यादा ही बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहे थे और क्या उल्टियाँ कर रहे थे। तो भैया कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों का प्यार प्रेम से, दवाइयाँ मेरे सामने हैं, स्वास्थ्य एकदम रिकवर हो चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं से। क्या प्रॉब्लम आ गई थी भैया? गैस की प्रॉब्लम? गैस की प्रॉब्लम, पेट में गैस हो गई थी, तभी मैं कहती भैया देखो कम खाया करो उठपटांग चीज़ें। ठीक है, गैस की दवाई खा ली हूँ।
ये बेटा बहुत ही उदास बैठे क्योंकि भैया ने बहुत ज्यादा इसको कल परेशान कर दिया था, बहुत ज्यादा हम भी डर गए थे, सबके सब डर गए थे। तो भैया आज मेरा बर्थडे, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नीलू भाभी को बर्थडे की बहुत बहुत बधाइयाँ और आप यूं ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हम लोगों के बीच बने रहें, आपका प्यार प्रेम ऐसे ही चलता रहे। एंड विश यू अ ग्रेट डे टुडे, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच भैया, हैप्पी बर्थडे नीरू। तो यहाँ वापस आ गई, हम बहुत खुश हैं, अब साथ में बर्थडे मनाएंगे, हर फंक्शन इंजॉय करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच रेखा, और मैं इसके लिए वापस आई हूँ वाकई में, ये हमेशा रोती थी, हाँ। मेरी सहेली जा रही है। सही बात, सारे चले गए ना यार, एक कोई तो। हाँ सही बात, साथ रहे, सब चले गए, सब चले गए, ऐसे चले गए कि वो चले ही गए, वापस ही ना आने वाले, वापस ही नहीं आने वाले। तो फ्रेंड फिर बाद में मिलते हैं आपसे, जरा भैया का थोड़ा हाल चाल पूछ लो। ओके ओके भाई। सो फ्रेंड्स, मैं भाभी के घर पे गई बट भाभी मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं उनको विश नहीं कर पाई, अब शाम को देखूंगी। बट हाँ, किशोर भैया से मेरा हाल चाल पूछ लिया, उन्होंने विश कर दिया, मैं घर पहुंच गई, घर में आना भी आ चुकी होगी, तो देखते क्या होगा। आना आ चुके, आना कैसा है? और तुम मुझे विश तूने कर दिया? हाँ। और ये वाला सूट किसने दिया था ना मुझे? दीदी। तो ये वाला जो कुर्ता है और प्लाजो है, ये मुझे यशी ने गिफ्ट करा था। और आना तो मैंने गिफ्ट किया। और आना का जो नहीं, आपका जो कुर्ता है ना, वो मैं पहनूंगी शाम को, ठीक है? तो फिर मेरा कुर्ता का। चलो आना, आप जल्दी से रेडी हो जाओ, कपड़े कुछ खा लो, आना स्कूल से आ चुके हैं, मैं इसको फ्रेंड कुछ खाने के लिए देती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोचोगे मैंने क्यों कुर्ता चेंज कर दिया। फ्रेंड्स, मेरे साथ एक ट्रेजिडी होगी, मेरा फेवरेट कुर्ता, मेरा प्यारा, वो निकला हुआ फटा हुआ, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, नहीं पता चल रहा ना फ्रेंड्स, बट ये देखो, ये आना नहीं, ये देखो ये फटा हुआ, वो तो अभी भाभी आई, उन्होंने मुझे बताया, तब मैंने उतारा, और थैंक गॉड मैंने ना अपना टैग ना संभाल के रखा हुआ था, मैंने इधर से खोला था। आप भी कभी भी कोई कपड़ा लाओ ना, नहीं पता चलता उस टाइम, कोई कोई कपड़े ऐसे होते हैं तो ये टैग ना यहाँ से ना खुल जाता है, उसको खोल के ना रख दो, फिर बाद में फेंको, तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में है, मैंने टैग खोल के और रख दिया संभाल के। तो मेरा कुर्ता, मैं इसे ना चेंज करवाऊँगी, अब मैं जाऊँगी इनके साथ आगे समाज, चेंज करवाती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप भी कभी कभी नया कुर्ता लाओ तो कभी भी टैग मत फाड़ के मत फेंको, क्योंकि कभी कभी कुछ कपड़े होते हैं ना, हमें ना पता नहीं चलता फटा हुआ, वो फिर बाद में दिखता है, किसी और की निगाह चली जाती है। तो मैंने वो टैग खोला आराम से, वो ना खुल जाता है, वो लॉक हो जाता है, उसे खोला संभाल के रखा, मुझे नहीं पता था वो, तो थैंक गॉड भोले बाबा ने बचा लिया। अब मैं अपना कुर्ता चेंज करवा दूँगी और इसकी जगह फिर मैं देखो किसी का दूसरा साइज लेके आऊँगी। फ्रेंड फिर आपको मिलती हूँ, बने ना मेरे वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, मैं और आना पीछे बैठे हैं गली में बैक साइड की, क्योंकि मेरा वहाँ पे सूट सूख रहा है, क्योंकि वो मैंने थोड़ा सा धो दिया था और मुझे वो चेंज करवाना है। और यहीं पे देखो शुभम क्या कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहीं पे शुभम बना रहा है आम रस और उसके साथ बनेगी पूड़ी। अरे क्या हो गया, देवता आ गया, ये देखो पागल पहन पीएंगी, देख लो देख लो फ्रेंड्स, आज ही दोनों को तो लगे, ये मैं सोच रहा कि सुबह से फ्रेंड्स ये दोनों काम कर रहे हैं, ये तो उन लोगों को खाना है, क्योंकि मेरा तो फास्ट है, अपने खाने के लिए आम रस बन रही है और पूड़ी बन रही है, पूड़ी तो मुझे ही बनानी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, मेरा आज फास्ट भी है और मेरा आज बर्थडे भी है ना, मगर काम किसने कराया ना सारा? मैंने, इन लोगों ने कुछ नहीं करा, सुबह का नाश्ता भी मैंने बनाया है। देखो क्या खाली गले बना बैठ, पापा चिल्ला रहे हैं पीछे, आ वही ना कुरकुरे में। सो फ्रेंड्स, चलो मेरा इधर सूट सूखता जाता है, मुझे बैठना पड़ेगा। तो आना यहाँ से आम रस ले रही है और मेरे लिए, मेरे लिए तो दो भैया, मुझे पहले मुझे देने दो, मुझे लेने दो मैडम जी, लाइए भैया, धन्यवाद। और मेरा ये पे मेरा आम रस, फ्रेंड देखने तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पीने में देखते कैसा है। मुझे भी दो, यहीं पे एसी भी लेने आ गई है, मुझे भी दो। तो फ्रेंड्स ये लेते हैं, तो देखते हैं हम लोग पी के कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, ये पीते हैं, टेस्टी है यार, बट इतना मैंगो शेक ही तो मैंगो शेक ही तो बनाना चाहती हूं, आम रस आम रस मैं बना रखा है, चाहती हूं
इतनी देर से कह रहे हैं आमरस बनाना है, गुजराती डिश होती है एक आमरस, पर मैंगो शेक का कुछ अलग ही, बट ये मैंगो शेक है। अच्छा बनाया है, मजा आ गया। मुझे ना बुलाने दे, दिखाओ अच्छा आमरस भी बनाया है शुभम ने, वो हम रात को खाएंगे, मैं बाद में चखूंगी। फ्रेंड्स जब तक हम मैंगो शेक पीते हैं, आप भी गर्मियों में अपने अपने घरों में मैंगो शेक का आनंद लीजिए, और मैं वो भी बर्फ डाल के। तो फ्रेंड थोड़ी देर में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने दूसरा कुर्ता देखिए चेंज कर लिया है, ये भी बच्चों ने मुझे कल गिफ्ट करा था, और आज मैं जाऊँगी शॉप पे चेंज करवाने, अब जाती हूँ मैं, देखते हैं वो चेंज करते हैं नहीं करते भैया, आई होप चेंज तो कर लेना चाहिए क्योंकि डिफेक्ट माल है, क्या कर सकते हैं, बट देखते हैं चलो चेंज करते नहीं करते चलते। और फ्रेंड्स बताना कि आपको मेरा ये वाला कुर्ता भी कैसा लग रहा है, आपको पूरा दिखाऊंगी, देखिए बताना फ्रेंड्स कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स फाइनली मैंने अपना कुर्ता चेंज करवा दिया, और उसकी जगह मैं दूसरा कुर्ता लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। बल्कि जो चेंज करवाया है इसी, जो चेंज भी करवाया है, और पापा ने एक कुर्ता मुझे और दिलाया है पापा की तरफ से, ये तुम दोनों की तरफ से हो गया था, पापा की तरफ से, तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, बड़ा प्यारा है। दिखाओ तो सही, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जो कुर्ता लेके आई थी मैं, उसकी जगह ये वाला कलर लेके आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। दिखाओ, वाओ ये मेरी तरफ से होगा। लाइट ऑन कर दे फ्रेंड्स, मैंने उसी पैटर्न में बस मैंने कलर चेंज कर दिया, मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था, और सोन जी का भी फेवरेट कलर था, और बहुत ही बात कर रहे मोबाइल में, जो मुझे ना परेशान कर रहा है। और ये मेरी तरफ से है, इसी की तरफ से हो गया, चेंज हो गया था कुर्ता, बहुत अच्छा लगा। और ये कलर मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना था, तो सोन जी ने कहा, सोन जी को बहुत पसंद आया है, तो खोल के तो दिखाओ। नहीं ये मैं जब पहनूंगी तब खोलूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो सोन जी ने ले लिया। ये मेरे पास तीन कुर्ते हो गए, ये वहाँ ने दिया, ये सोन जी ने दिया, और ये मम्मी रात को पहनेगी। अब मैं कुछ नहीं पहनूंगी, मेरा चेंज हो गया, मैं कभी और अच्छा बस हो गया मेरा, और देखते हैं आपको लोगों ने मेरे लिए क्या प्लान करा, लग तो नहीं रहा मुझे कुछ मेरे लिए कुछ प्लान करा हुआ है। क्या प्लान करें, सबसे पहले से खर्चा तीन एक वापसी का एक लेने आते हैं, तो प्लान क्या करें, मुझे करना पड़ रहा है सुबह से लेकर अभी तक, अभी भी खाना मैं बनाऊंगी ही नहीं, कि लोग मुझे बना के मुझे खाना खिलाए, कोई बात नहीं, तो ज्यादा गुस्सा आता है, नौटंकी करता हूं फ्रेंड्स से। तो केक आप नहीं खाओगे, मतलब केक खा सकती हूं एनीवेज, मगर मम्मी ने मीठे व्रत रखे तो इसलिए खा सकती है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आपको, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। मम्मी का बर्थडे, और भगवान जी ने मम्मी को एक और गिफ्ट दे दिया है, अभी दिया नहीं देंगे, भगवान क्या होगा दे दे मुझे, क्योंकि मेरे 2K होने वाले हैं, मेरे हो गए हैं 1.80 के। अभी हम देखते अब हैं। अगर रात में मेरे बढ़ जाए 200 तो भगवान जी ने हमें बहुत ही अच्छा, तो मुझे भगवान की तरफ से एक गिफ्ट मिल जाएगा, और मेरा बर्थडे केक भी हो जाएगा, और मेरा 2K का भी केक हो जाएगा। हाँ। देखते क्या होता है, अगर हो जाएंगे तो हम आपको वीडियो दिखाएंगे, नहीं होंगे फिर भी आपको पता चल जाएगा। हाँ। तो प्लीज आप लोग प्रेयर, अब क्या करोगे यार, ये ब्लॉग तो बाद में आएगा ना, आएगा अगर नहीं हुए मेरे आज, आप लोग प्रेयर करना, जब आप वीडियो देखो मेरे 2K फटाफट हो जाए, और अगर हो गए तो फिर आप लोग देखना। यस। सो फ्रेंड्स मेरी बन रही है यहाँ पे खीर, आज बड़ी फर्स्ट क्लास से खीर बना रही हूँ मैं अपनी, और बनाऊंगी क्या बनाऊंगी, और पुलाव वेज बिरयानी बनाऊंगी पुलाव। सो फ्रेंड्स एक्चुअली क्या है, आयुषी भैया को मुझे पार्टी लेने आई थी ना, आयुषी आज मुझे विश करने आई थी, मुझे विश तो कर दे,
थैंक यू बेटा, मुझे विश कर दिया था मॉर्निंग में पार्टी। मैंने कहा आयुषी आज तो कुछ खा नहीं सकते आज पार्टी क्योंकि मेरा फास्ट है, तो फिर आयुषी और इन सब बच्चों को पार्टी मिलेगी संडे वेडनेसडे को, क्योंकि कल भी मंगलवार है तो वेडनेसडे को दूंगी संडे को दूंगी। जो ही बच्चे खाएंगे उनको वही खिलाएंगे, और मैं तो आज क्योंकि बिरयानी मेरा फास्ट है इसलिए मैं थोड़ी खीर बना रही हूँ, और बच्चे कह रहे कि वेज बिरयानी यानी वेज पुलाव ना तो वो बना रही हूँ। और सोन जी निकल रही है यहाँ से, ये लिया यहाँ पे मटर पुलाव बनाऊंगी, सोया आलू डाल दियो सब डाल दो, आलू डाल दियो, और मेरी यहाँ पे खीर बनेगी, खीर के साथ मेरे मीठा, तो मैं परांठे खाऊंगी खीर के साथ। ऐसे पढ़ लो बनी रही, देखते आगे और क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा मेरे प्यारे पतिदेव जी के साथ। पति वैसे खून पीते थे, खून पीती हूँ, खून पी पी वो सब पता चला कौन कितना मोटा, तुम इतने मोटे तुम ही मेरा खून पी। अब क्या कर रहे हो आप? वेज बिरयानी बिरयानी बन रही है बेटा, वेज पुलाव बन रहा है। हाँ वेज पुलाव क्या करते हैं वो, क्योंकि तुम लोगों को पसंद है और आज मेरा पास कल भागा खाने है तुम लोग। हाँ हम लोग तुम लोगों की पार्टी संडे को कर दूंगी या बुधवार को, खीर फ्रेंड्स भी बन गई तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ खीर। देखिए तो दिखाओ वाओ कितने अच्छे ड्राई फ्रूट्स, बताना आप लोगों की खीर कैसे बनी है। खाने में तो खैर अच्छी बनी है क्योंकि ये लोगों ने खाई है थोड़ी, खाना को मैं देखती थी कैसे रोली रही। देखो ये लड़की जब खेल रही थी तब इसको कोई नाम ही नहीं था, कुछ नहीं खाए मैं। मम्मी आपने ऐसा, मम्मी ऐसे क्यों करते हो आप बच्चों के साथ? भिंडी रोटी खाई है सुबह से कितनी बार, इसकी फेवरेट है भिंडी। चलो खीर तो पास हो चुकी है, अब देखते हैं वेज पुलाव कैसे बनते हैं। बेटा वेज पुलाव भी अच्छा बनता है मेरे हाथ का। चलो ठीक है, पापा लोग पता नहीं कहाँ चले गए सब्जी लेने। हाँ पापा लोग सब्जी लेने गए हैं। सो फ्रेंड्स एक्चुअली ना पापा और चाचू ना कुछ सब्जी वब्जी लेने गए हैं, वो गए सरप्राइज लेने। तो सरप्राइज क्या बताऊँ, देखो मैंने इधर केक भी कर दिया था कि मम्मी को पता ना चले, तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो एक्चुअली पापा और चाचू मम्मी को ये लेके गए हैं कि हम लोग आज मतलब सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी क्योंकि सुबह के लिए कुछ है नहीं। बट एक्चुअली पापा और चाचू लेने गए हैं मम्मी के लिए सरप्राइज केक। आप सुनिए मम्मी का तो व्रत है, मम्मी कैसे खा सकते, मम्मी ने मीठे फास्ट रखे हैं तो इसलिए मम्मी खा सकते हैं, बट विनायक का तो चाचू और पापा विनायक का लेने गए, तो देखते हैं मम्मी का रिएक्शन कैसे होता है। तब तक के लिए बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। ये पापा और चाचू आ चुके हैं, दे सकते हो पापा नहीं मम्मी और क्या क्या लाए हो। देखो मम्मी के लिए सरप्राइज आए हैं, लोग मम्मी को पता नहीं, जल्दी रखो जल्दी रखो। ऐसी आ जाओ के देख मेरे पुलाव भी बन गए है ना, मस्त बने ना फ्रेंड्स, कितने अच्छे बने मेरे पुलाव देखा। अब मैं इनको मिक्स कर दूंगी, शुभम पुलाव देखने प्यारे बने, अब ये लोग पुलाव खाएंगे है ना। तो अच्छी बनी है। हाँ खीर तो अच्छी बनी है। चलो फिर खाना खाओ। हाँ जी खाना भी आ गई आपकी, आ गई सब्जी। हाँ सब्जी, अरे भाई वो छोड़ो ना, अभी सब्जी आ गई। अच्छा जी केक फ्रेंड्स मेरा केक भी आ गया, मुझे तो मना करते फास्ट है, बर्थडे में केक नहीं लाऊंगा, कल लाऊंगा तो यार कल लाऊंगा मैं केक, आज ही लाऊंगा। ये जीव तो बाहर से केक के नाम से मैं केक खा सकती हूं। अरे मम्मी आपके अंदर तैयार हो जाओ ना, देखो ना पहले खाना खा लेते, केक खा लेते पहले खाना खा लेते हैं फिर मामा आनंद का। हां हां मुझे केक काट लो, कोई ना कोई आ जाए। हां हां मम्मी क्या है ये, देख तो लो क्या है, खाना खा लो। क्या क्या खिलायो आ चुके हैं दीदी केक, तो बच्चे मुझे डिस्टर्ब मार रहे हैं।
मौसी मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दो। थैंक यू बेटा, कितना शर्मा रहा है। ये देखो बिना गिफ्ट लिए आ गए, कैसे है लोग तो केक मेरे को पता था को मैंने देख लिया तो पाइप पर दे। कल क्या कर रहे हो? बर्थडे बॉय। मामा टीम पे लगा रही है क्या? अरे आप तो बता दो आप क्या कर रहे हो? मेरा बर्थडे आज, मैं कीम ना लगाऊं मेरे तैयार हो के भी क्या फायदा लग रहा था क्या बेकार लगना। अच्छा और अच्छा वो सच्चा बोल हां तू अपना कुबड़ी सुन ले समझती है हैं गुड हाउस का है मैंने गुड हाउस क्या होता है कैंटीन का दूसरा पार्ट है तो जुड़ा भाई इसे मम्मी हैप्पी बर्थडे क्या पागलपंती कर रही थी लोगों ने बच्ची लग रही है ऐसे और बट आपके लिए कर रहे हैं उसके बाद पागलपंती हो गई बर्थडे बॉय लड़कियों का पिंक आता है यहाँ पे आना फोड़ने के चक्कर में लड़ाई हो रही है। यशी तेरा पेट कहाँ जा रहा है? ये फोटो सेशन हो रहा है। मैंने बोला है मैंने बोला ऐसे हो तुम लोग। सो फ्रेंड्स सबसे पहले केक आपके लिए और आप लोग विश कर रहे हैं कि मेरे सब्सक्राइबर और ज्यादा बढ़ जाए, 2000 मेरे होने वाले टू के और जल्दी से और बढ़ जाए फिर और अच्छी पार्टी होगी। बन्नी जरा खा जा ना बन्नी, हैप्पी बर्थडे। खाली हटा से यशी जल्दी आना यशी। अभी खाली कितने लगा मेरे? मैंने झूठा है ना, मैंने खा सकती ना, बट नहीं है ये मैं खा ले फिर खा ले। अच्छी नहीं है बोलो, अच्छी हुई नहीं गलत चीज है ना। इधर देखो चीनी कहां उसे दिख रहे हैं इधर देखो लेकिन मेरे झूठ को खिला रहे हैं खीर तो बहुत ही अच्छी बनी है, झूठ बोल रही हूँ। मीठा भी इक्वल है, सब कुछ होता है, बहुत ही टेस्टी बनी है यार। मैं भी खाती हूँ फ्रेंड्स, अब मैं खा रही हूँ ये आम रस और रोटी। वैसे तो पूरी खाई जाती है मगर मैं रोटी के साथ ट्राई करूँ, चाटी ये मिल्क शेक की तरह है बस, इसके ऊपर
को मंगाते चलते खाओ भैया। अरे बताओ सो फ्रेंड्स, रात हो चुकी है और सबके सब बच्चे कमरे में सो चुके हैं और हर्षिता दी और बन्नी भी जा चुके हैं और मुझे बहुत नींद आ रही है। आप लोग देख सकते हैं मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए और फ्रेंड बहुत नींद भी आ रही है। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग आज का छोटा सा अच्छा लगा होगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे 2K होने वाले थे, सिर्फ 200 कम है। तो प्लीज़ जब भी आप ये वीडियो जैसी आएगी प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और प्रे करना कि मेरे 2K हो जाए प्लीज़ फ्रेंड। और जब 2K हो जाएंगे तो फिर ऐसे 3K भी होंगे, 4K भी होंगे। कई लोग कहते कि आपके 1K हो गए, आपने पार्टी दी, तो मैंने सबको यही बोला जब मेरे 10K हो जाएंगे मैं पार्टी तब दूंगी, बहुत ही अच्छी बहुत ही धमाकेदार पार्टी होगी जिसमें आप सब मेरे सब्सक्राइबर ज़रूर शामिल होंगे। सो फ्रेंड, जल्दी से मेरे 10K करवाइए जिससे कि मैं आप लोगों को सबको एक धमाकेदार अच्छी सी ग्रैंड पार्टी दे सकूँ। तो फ्रेंड, पर 2K भी होने वाले हैं, बहुत खुश हूँ यार। प्लीज़ मैं वीडियो जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखें तो प्लीज़ 2K मेरे कंप्लीट करवा दीजिए फ्रेंड्स प्लीज़। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना और चैनल को प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, इतनी हेल्प कर देना यार मेरे 2K हो जाए। 2K क्यों, 10K हो जाए। तो जब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।